हेलो एंड वेलकम टू आईजे एकेडमी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ दूसरा डिवीजन डिस्कस किया था जिसे हम कहते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला डिवीजन जिसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो ये जो डिवीजन है ना, यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान और यहाँ पे एक माउंटेन आपको दिखता है जिसे हम कहते हैं अरावली माउंटेन्स। क्या कहते हैं? अरावली माउंटेन्स। तो अरावली माउंटेन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट करो। सबसे पहला पॉइंट जो अरावली माउंटेन्स का है वो ये है कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन माना जाता है या ओल्डेस्ट लैंडमार्क माना जाता है इंडिया का। क्या? ओल्डेस्ट लैंडमार्क, ये पहली बात। दूसरी बात ये है या ओल्डेस्ट माउंटेन पीक जो है ये अरावलीज है। दूसरी बात जो अरावली माउंटेन्स के बारे में ये है कि यहाँ का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। कौन? गुरु शिखर। मैंने आपको बताया था गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे जो अरावलीज है ये बॉर्डर बनाता है, इट फॉर्म्स अ बॉर्डर, है ना, राजस्थान और यहाँ पे जो है ना बाकी स्टेट्स, इनके बीच में बॉर्डर बनाता है। अब जो यहाँ पे राजस्थान का एरिया है और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो गुजरात का एरिया है, यहाँ पे आपको एक फिजियोग्राफिक डिवीजन दिखेगा जिसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। इसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं थार डेजर्ट। क्या कहते हैं? इसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट, है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सहारा डेजर्ट, है ना, जो अफ्रीका में था, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है। दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट इज, कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। अब यहां पे अगर हम इस फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं और यहां पे हम सबसे पहले कुछ फीचर्स इसके जानेंगे। फीचर नंबर वन इसका ये है कि यहां पे सबसे पहले जो है लो रेनफॉल, है ना। यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम होता है। जब रेनफॉल बहुत कम होता है तो इसकी वजह से जहाँ पे विजिटेशन होती है वो बहुत ही कम है। सो विजिटेशन इज स्कैर्स हियर, है ना। और यहाँ पे जो विजिटेशन होती है उसे हम कहते हैं स्क्रब विजिटेशन। यहाँ पे ज्यादा हाइट वाली विजिटेशन आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको स्क्रब विजिटेशन मिलेगी। पॉइंट नंबर टू इज जो यहाँ पे रिवर्स है वो यहाँ पे एफीमेरल आपको दिखेंगे। कौन? एफीमेरल। सो वॉट इज एन एफीमेरल रिवर? तो रिवर्स जो है ब्रॉडली वो दो प्रकार के होते हैं। वन इज एफीमेरल रिवर और अनदर इज पेनिनसुलर रिवर, है ना। एफीमेरल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो खाली कुछ ही समय के लिए चलते हैं, यानी कि जब रेनफॉल होती है तो वो खाली उसी समय यहाँ पे चलते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं बोलूं तो एफीमेरल रिवर्स ऐसे रिवर्स है जो सीजनल होते हैं, जो खाली कुछ ही समय तक चलते हैं, जब रेनफॉल होती है तब वो चलते हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स ऐसे रिवर्स होते हैं जो यहाँ पे 12 मंथ चलते हैं, यानी कि जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलते हैं, जो सीजनल नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, दे आर पेनिनसुलर रिवर्स। वाइल अगर हम देखेंगे तो राजस्थान के एक अंदर एक रिवर आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं लूनी रिवर, है ना। तो लूनी रिवर क्या है? लूनी रिवर इज एन एफीमेरल रिवर, है ना, क्योंकि ये सीजनल रिवर है। इसी तरीके से एक और रिवर यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं रिवर माही। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? इम्पोर्टेंट आपकी सिलेबस में है इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं लेक्स ऑफ इंडिया। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि लूनी रिवर जो है ये कहाँ का इम्पोर्टेंट रिवर है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान, है ना। और दोनों लूनी रिवर भी और माही रिवर भी, इनका जो ऑरिजिन है वो आपको दिखेगा अरावली हिल्स से। तो अरावली हिल्स से ही निकल के आते हैं कौन? लूनी रिवर और माही रिवर। लेकिन लूनी रिवर जो है एफीमेरल रिवर है, यानी कि ये यहाँ पे जो ब्रीफ पीरियड तक ही ये फ्लो करता है जब रेनफॉल होती है, वो ये यहाँ पे क्या है कि ये कोस्टल रीजन्स तक पहुंच नहीं पाता है, ये रास्ते में ही होता है ना, डिसअपियर होता है, ये लूनी रिवर है। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो यूनिक फीचर है वो है सैंड ड्यून्स। अगर आपको सैंड ड्यून्स पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे प्रिंट की है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो ही यहाँ पे इस डेजर्ट में विंड होता है तो इस विंड की वजह से क्या होता है, ये विंड अपने साथ इस सैंड को लाता है और एक ही जगह जमा कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ए माउंड और इन द फॉर्म ऑफ ए रिज, है ना।
और इस माउंट या रिज ऑफ सैंड को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स जो है होते हैं ये क्या होती है? एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल होती है इन द फॉर्म ऑफ माउंट, इन द फॉर्म ऑफ रिज, जिसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, है ना। ये विंड का काम होता है। दूसरा जो यूनिक फीचर आपको यहाँ पे दिखेगा उसे हम कहते हैं मशरूम रॉक। तो मशरूम रॉक कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ मशरूम, है ना। अब मशरूम रॉक क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि जो ही हवा यहाँ पे स्ट्राइक करता है, जो ही विंड स्ट्राइक करता है, तो वो यहां से कुछ हिस्सा अपने साथ लेती है, और नीचे यहाँ पे ये नैरो बनता, ऊपर ब्रॉड रहता है, और इसकी वजह से एक मशरूम शेप लेता है। तो मशरूम रॉक भी दूसरा फीचर है किसका? ग्रेट इंडियन डेजर्ट का। उसके बाद जो तीसरा फीचर है ना उसे हम कहते हैं ओएसिस। और ओएसिस क्या है? लेट मी शो यू, है ना। तो ओएसिस क्या होती है? ये एक वाटर बॉडी होती है जिसके सराउंड में यहाँ पे डेजर्ट आपको मिलेगा। तो सराउंडिंग्स में डेजर्ट है, नीचे बीच में जो है वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी और यहाँ पे सराउंड में डेजर्ट, इसे ही हम कहते हैं ओएसिस। सो ओएसिस, मशरूम रॉक एंड सैंड ड्यून्स, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेजर्ट्स, है ना। और इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है, वो ये है कि कुछ सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, कुछ सैंड ड्यून्स यहाँ पे क्रीसेंट शेप में आपको मिलेंगे। इस शेप में आपको कुछ सैंड ड्यून्स मिलेंगे क्रीसेंट शेप में। तो ऐसे सैंड ड्यून्स जो क्रीसेंट शेप में होते हैं उसे हम कहते हैं बार्कन्स। ये यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है, और जो ही एनसीईआरटी कोई पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता है ना तो उस पे मैं 3 स्टार जल्दी लगाता हूँ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बनता है ना। तो बार्कन्स क्या होते हैं? बार्कन्स आर द क्रीसेंट शेप सैंड ड्यून्स दैट आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यही है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थार डेजर्ट। यहाँ पे लो रेनफॉल है, वेजिटेशन बहुत ही कम आपको मिलेगी, स्क्रब वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगी। यहाँ के रिवर्स एफिमिरल है, एफिमिरल आर सीजनल रिवर्स विच फ्लो ओनली ड्यूरिंग ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एंड जब रेनफॉल ज्यादा होती है। इसके बाद जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो लूनी रिवर है, माही रिवर है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फीचर्स है वो सैंड ड्यून्स है, और वो क्या है? ओएसिस है। और इसके साथ साथ जो तीसरा फीचर है उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स में ही आपको मिलेगा बार्कन्स। और जो यहाँ पे तीसरा फीचर है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको मशरूम रॉक्स दिखती है, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सैलाइन लैक्स भी मिलेंगे, और सबसे बड़ा नाम जो है वो सांबर लैक का है। किसका? सांबर लैक का है। सांबर लैक जो है इंडिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इनलैंड फ्रेश वाटर लैक ऑफ इंडिया, ये भी आपको राजस्थान में ही दिखेगा। क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड, है ना, सैलाइन लैक ऑफ इंडिया, है ना। ये भी आपको कहां पे दिखेगा? ये भी आपको राजस्थान में ही दिखेगा। और इंडिया का जो लार्जेस्ट सैलाइन लैक है ना, जो कोस्टल है, वो है छिलका लैक ओराइसा में। जब हम लैक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इतना याद रख कि सांबर लैक जो है ये राजस्थान में है, और इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन लैक ऑफ इंडिया। कौन? सांबर लैक, है ना। तो सांबर लैक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये है आपका जिसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो अब जो ही आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखोगे तो ये है अरावली हिल्स, है ना। और अरावली हिल्स के इस साइड अगर तुम देखोगे तो यहां से स्टार्ट होता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे पेनिनसुला क्या क्यों कहते हैं? पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला कोई भी ऐसा लैंड मास जिसको तीन तरफ से वाटर घेरता है। देखो यहां से अगर आप देखेंगे तो यह है अरेबियन सी, यहां से, है ना। और यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस इज इंडियन ओशन, और यहां से अगर आप देखेंगे दिस इज बे ऑफ बंगाल, है ना। ऐसा लैंड मास जिसको तीनों साइड से वाटर होता है, तीन साइड से वाटर होता है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। एंड व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड कोई भी ऐसा छोटा लैंड मास जिसको चारों तरफ से वाटर घेरता है, जिसको सराउंड करता है वाटर बाय 4 साइड्स, उसे हम कहते हैं आइलैंड। एंड पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला इज ए लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑन 3 साइड्स, है ना, जिसको 3 साइड से बाई वाटर है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। इसीलिए इसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। और प्लेट्यू क्या होता है? कोई भी रेज्ड लैंड, ठीक है, जो है ना, जो सरफेस से थोड़ा बहुत रेज्ड होता है, उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है कि ये सबसे स्टेबल है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये किसका पार्ट था, ये एक्चुअली जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। किसका? गोंडवाना लैंड।
ये एक्चुअली जब एक चैप्टर आता है ज्योग्राफी के अंदर जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, है ना, जहां पे बहुत सारी थ्योरीज है लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, तो वो जो सारी थ्योरीज है वो गवर्न करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स की है, वहां पे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ते हैं, जियोसीन क्लाइनल थ्योरी पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पे भी एक लेक्चर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इवॉल्व हुए एक्चुअली जो हमारे ओशंस हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए। अगर मुझे लगा कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है तो मैं इस पे भी एक लेक्चर यहाँ पे बनाऊंगा आपके लिए, है ना। बहरहाल अरावली हिल्स ये है, अरावली हिल्स के इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहां से स्टार्ट होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जो जो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा ना, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ही है, जो जो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। कौन है? दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ये जो लाइन, दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके तीन पार्ट्स है, या इसको डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट? पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाइलैंड्स। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा अभी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं डक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं? डक्कन प्लेट्यू। और जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, या इसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कहा जाता है, या इसको मेघालय प्लेट्यू भी कहा जाता है, मेघालय प्लेट्यू भी इसको कहा जाता है। अब क्या है ये? सी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में यहाँ पे है कौन? यहाँ पे है नर्मदा। कौन? यहाँ पे एक रिवर है बीच में जिसे हम कहते हैं नर्मदा। नर्मदा के ऊपर जो पार्ट आता है ना, ये पार्ट जो आता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाइलैंड्स। और यहाँ पे जो नर्मदा के नीचे पार्ट माना जाता है इसे हम कहते हैं डक्कन प्लेट्यू, है ना, इसे हम कहते हैं डक्कन प्लेट्यू। और इसके साथ साथ आपको एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू यहाँ पे आपको दिखेगा जिसमें हमारा मेघालय आता है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, या इसको हम कहते हैं मेघालय प्लेट्यू भी इसको कहा जाता है। तो तीन ही डिविजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, सेंट्रल हाइलैंड्स, डक्कन प्लेट्यू एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल हाइलैंड्स का मसला है। अब सेंट्रल हाइलैंड्स को अगर आप देखेंगे, अगर आप सेंट्रल हाइलैंड्स को देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? सी, सेंट्रल हाइलैंड्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साइड से आपको दिखेगा अरावली हिल्स, है ना, दिस इज अरावली, दिस इज अरावली हिल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक रेंज जिसे हम कहते हैं विंध्यन रेंज। क्या कहते हैं? विंध्यन रेंज, है ना, विंध्यन रेंज। विंध्य रेंज के नीचे आपको एक रेंज दिखेगा जिसे हम कहते हैं सतपुरा रेंज। क्या कहते हैं? सतपुरा रेंज। अब जो ये विंध्यन रेंज है और सतपुरा रेंज है, इसके बीच में एक रिवर फ्लो करता है जिसे हम कहते हैं रिवर नर्मदा। क्या कहते हैं? रिवर नर्मदा। तो ये है नर्मदा रिवर। और यहाँ पे पता है ये जो विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज है ना, इसके बीच में एक रिफ्ट वैली है। जब मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दिखाया रिफ्ट वैली क्या होती है, मैंने आपको दिखाया वहां पे कि रिफ्ट वैली क्या होती है, जो दो माउंटेन्स होते हैं इनके बीच में अगर यहाँ पे लैंड सब्सिडाइज हुआ हो तो इसी को हम कहते हैं क्या, अगर इसकी सब्सिस्टेंस हुई तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे साइड में दो माउंटेन्स हैं और ये माउंटेन्स यहाँ पे ये इधर गया हो इधर, तो इसके बीच में एक यहाँ पे डेप्थ आती है, इस डेप्थ को ही हम कहते हैं रिफ्ट वैली। ऐसे ही हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे इस साइड पे है नॉर्दर्न साइड पे है विंध्य रेंज, साउदर्न पे है सतपुरा रेंज, और बीच में एक डिप्रेशन आई है, एक डेप्थ आई है जिसे हम कहते हैं नर्मदा रिफ्ट वैली, है ना। और इसी के थ्रू पास होता है कौन? नर्मदा, और एक और रिवर है जिसे हम कहते हैं तापी, है ना, नर्मदा एंड तापी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अरावली हिल्स एंड विंध्यन रेंज के बीच में एक प्लेट्यू आपको दिखेगा जिसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। इसको नहीं बोलना है, क्या हम कहते हैं? मालवा प्लेट्यू। तो आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछेगा ना, मालवा प्लेट्यू जो है ये किस किस हिल के बीच में आता है? सो मालवा प्लेट्यू इज प्रेजेंट बिटवीन अरावली हिल्स एंड विंध्यन रेंज, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस साउदर्न, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसकी जो इसका जो ईस्टर्न साइड है इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। सो ईस्टर्न पार्ट जो है इसका,
किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का, इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। और जो ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे पार्ट आपको दिखेगा, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू इसे हम कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसी के अंदर आपको एक यहाँ पे हिल दिखेगा जिसे हम कहते हैं राजमहल हिल्स। क्या कहते हैं? राजमहल हिल्स। अब राजमहल हिल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राजमहल हिल्स का हाईएस्ट पीक है परासनाथ। कौन? परासनाथ। सो परासनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजमहल हिल्स, है ना। और राजमहल हिल्स किसके अंदर आता है? इसी रीजन में आता है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि मालवा प्लेट्यू किस किसके बीच में आता है। मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली हिल्स और विंध्यन रेंज के बीच में आता है। नर्मदा किसके किस बीच में आता है? विंध्यन रेंज एंड सतपुरा के बीच में आता है। कौन? नर्मदा, है ना। सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्टर्न जो यहाँ पे पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। और जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है इसकी, इसे हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके अंदर आपको मिलेगा राजमहल, और राजमहल का हाईएस्ट पीक है परासनाथ। इसको यहाँ पे आपको याद रखना है ना। इसके बाद मैं सतपुरा रेंज की बात करता हूँ। जब मैं सतपुरा रेंज को देखता हूँ ना, तो सतपुरा रेंज में मुझे यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगा। जब मैं सतपुरा रेंज को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये है मेरा सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं, वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है ना, उसे हम कहते हैं राजपिपला हिल्स। क्या कहते हैं? राजपिपला हिल्स हम कहते हैं वेस्टर्न पार्ट को, है ना। जो महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स आपको मिलेंगे कहां पे? सेंट्रल में आपको दिखेंगे महादेव हिल्स, वेस्ट में आपको दिखेंगे राजपिपला हिल्स। और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में जो हिल्स है ना, उसे हम कहते हैं माईकाल हिल्स। क्या कहते हैं? माईकाल हिल्स। अब माईकाल हिल्स जो है, अगर आप देखेंगे ये सतपुरा रेंज को, तो सतपुरा का जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं धूपगढ़। क्या कहते हैं? धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, ये हाईएस्ट पीक है किसका? सतपुरा का। और आपसे डायरेक्ट पूछेगा महादेव हिल्स, माईकाल हिल्स, राजपिपला हिल्स जो है ये किसके पार्ट्स है? ये पार्ट्स है सतपुरा रेंज के। किसके पार्ट्स है? सतपुरा रेंज के पार्ट्स ये माने जाते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो माईकाल हिल्स। अब जो ये माईकाल हिल्स है ना, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे अगर आप इन माईकाल हिल्स को देखोगे, तो माईकाल हिल्स जो है, माईकाल हिल्स जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है जिसे हम कहते हैं अमरकंतक। क्या कहते हैं? अमरकंतक। जब मैं आपको इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स पढ़ाऊंगा ना, अमरकंतक आपको मिलेगा, क्योंकि अमरकंतक हिल्स जो है ये बहुत सारे रिवर्स का ऑरिजिन है। इसी से आपका नर्मदा निकलता है। कौन निकलता है? नर्मदा। इसी से आपका दूसरा रिवर जो है सन निकलता है। इसी से आपका तीसरा रिवर जो है वो महानदी भी इसी से निकलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अमरकंतक आपको दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि मुझे बाद में रिवर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई इसका ऑरिजिन जो है अमरकंतक हिल्स है, आपको माइंड में आना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अमरकंतक। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी याद रखना, क्योंकि इसके थ्रू भी यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स पास होते हैं, है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट अब क्या है? सतपुरा रेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सतपुरा रेंज के नीचे जो आप यहाँ पे पेनिनसुला देखते हैं, इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब अगर तुम डेक्कन प्लेट्यू को देखोगे, तो डेक्कन प्लेट्यू को नॉर्थ में है कौन? यहाँ पे है सतपुरा रेंज। अब अगर तुम यहाँ पे वेस्ट साइड से देखोगे, तो यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज दिखेगा जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स। क्या कहते हैं भाई? वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न साइड से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर करते हैं कौन? इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। घाट मीन्स माउंटेन, है ना, ईस्टर्न घाट्स, है ना। और ऊपर आपको पता ही है यहाँ पे है सतपुरा रेंज, है ना। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ही है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स जो है ना, इसकी स्लोप जो है ना ऐसी है थोड़ी बहुत, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट से रिवर्स निकलते हैं, लाइक कृष्णा रिवर, लाइक यहाँ पे जो निकलते हैं ना रिवर्स, कृष्णा, गोदावरी, तो वो फ्लो करते हैं ईस्ट की तरफ। और यहाँ पे याद रखना, जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स है ना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, वो सभी फ्लो करते हैं टूवर्ड्स ईस्ट, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वो यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी है ना मेजर रिवर्स, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। क्यों है? क्योंकि इसकी स्लोप थोड़ा बहुत ऐसी है,
है ना, इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में जाते हैं। अब वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे देखो, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। वेस्टर्न घाट्स अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस होते हैं, क्या होते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रेक्स नहीं मिलेगी, ये ऐसे कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, ईस्टर्न घाट्स जो है दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर डिसकंटिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से रिवर्स निकलते हैं वो ईस्टर्न घाट को स्ट्राइक करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ गैप्स भी आपको देखने को मिलेगी, है ना, ये ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ही आप ईस्टर्न घाट्स को देखोगे तो जितना आप नीचे जाते हैं उतनी इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, क्या होती है इंक्रीज होती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं अनायमुदी, सो अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, परासनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजमहल हिल्स, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इतने पीक्स यहाँ पे याद रखो। अनायमुदी जो है ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का। अनायमुदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खाली वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक ही नहीं बल्कि पूरे पेनिनसुलर प्लेटू का हाईएस्ट पीक है अनायमुदी। कौन? अनायमुदी, है ना। और अनायमुदी अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का। ईस्टर्न घाट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है रेंजेस मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे ओरिसा के अंदर एक पीक आता है जिसे हम कहते हैं महिंद्रागिरी, क्या कहते हैं महिंद्रागिरी। जो ये महिंद्रागिरी है ना, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, डायरेक्टली आपसे पूछेगा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स कौन है, हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट्स का वो आपको मिलेगा कौन, महिंद्रागिरी। कौन? महिंद्रागिरी। महिंद्रागिरी लोकेटेड इन ओरिसा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, है ना। इसके बाद अगर तुम जाओगे नीचे तो इसके बाद भी आपको बहुत सारे पीक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो पहले आपको मिलेगा महिंद्रागिरी, मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूंगा और साउथ की तरफ मैं जाऊंगा, पहले आपको मिलेगा महिंद्रागिरी। इसके बाद जो आपको मिलेगा ना उसे हम कहते हैं नल्ला मल्ला हिल्स, क्या कहते हैं नल्ला मल्ला हिल्स। इसके बाद आपको मिलेगा पैलकोंडा हिल्स, क्या मिलेगा पैलकोंडा। दोनों नल्ला मल्ला पैलकोंडा जो है ये आपको एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में दिखेगा। महिंद्रागिरी कहाँ पे है, ये ओरिसा में है ना। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जावेदी हिल्स, क्या मिलेगा जावेदी हिल्स। जावेदी हिल्स के नीचे आपको मिलेगा शिवराय, एंड शिवराय हिल्स के नीचे आपको मिलेगा पचईमली हिल्स, पचईमली हिल्स। और यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया था, यूपीएससी को यहाँ पे है ना हैबिट है, यूपीएससी की हैबिट है, वो यहाँ पे नॉर्थ साउथ आपसे पूछेगा क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो इनको, या आपको वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का यही पैटर्न रहता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेगा कि नाला मल्ला पालकोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, और जावेदी शिवराय एंड पचईमली हिल्स जो है ये आपको तमिलनाडु के अंदर दिखेंगे। और ये जो हिल्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये ईस्टर्न घाट्स के हिल्स ही है, ये किसके हिल्स है, ईस्टर्न घाट्स के हिल्स है, है ना, इसलिए इनको याद करके जाना है। अब जो ये ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, ये पता है ये दोनों मीट करते हैं एक हिल पे जिसे हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। सो नीलगिरी हिल्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ। क्यों नीलगिरी हिल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स इज, दैट इज नीलगिरी हिल्स। एंड नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है ना उसे हम कहते हैं डोडा बेटा, क्या कहते हैं डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, इतना यहां पे याद रखो। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज डोडा बेटा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। नंबर सेकंड, K2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया बट इट इज कन्फ्लिक्टेड, सो हम इसको हाईएस्ट पीक यहां पे नहीं मानते हैं, अदरवाइज इट इज हायर देन कंचनजंगा। नंबर थर्ड, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स। नंबर फोर इज सतपुरा, सतपुरा का जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं धूपगर। परासनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजमहल हिल्स। अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। महिंद्रागिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। एंड डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। एक और है जो हम आईलैंड में आपको बताएंगे, उसे हम कहते हैं सैडल पीक। एंड सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, इतना यहाँ पे याद रखना है।
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट जो है इसको सह्याद्रिस भी कहते हैं, महाराष्ट्र गोवा के अंदर इसको सह्याद्रिस भी कहते हैं। तो सह्याद्रिस भी इसको कहा जाता है, किसको? वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पे सह्याद्रिस भी यहाँ पे कहते हैं। अब जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको हिमालयन पासेस दिखाए तो हिमालयन पासेस की तरह यहाँ पे बहुत सारे बाकी पासेस भी होते हैं। और अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश से स्टार्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट पास दिखेगा जिसे हम कहते हैं असीरगढ़ पास। क्या कहते हैं? असीरगढ़ पास। अब असीरगढ़ पास क्यों इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का? असीरगढ़ पास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे हम दक्कनी दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कनी दरवाजा। दक्कनी दरवाजा का मतलब क्या है? इट इज द डोरवे टू द डेक्कन। इट इज द डोरवे टू द डेक्कन, है ना, की टू द डेक्कन भी इसको कहते हैं। यानी कि डोरवे टू द डेक्कन प्लेट इज असीरगढ़ पास, एंड असीरगढ़ पास इज लोकेटेड इन MP, यानी कि मध्य प्रदेश, है ना। इतना यहाँ पे याद रख। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे कुछ साउदर्न पासेस भी मिलेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू में जाऊं और मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ टू साउथ कितने पासेस मिलेंगे, तो चार पासेस को आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले पास की मैं बात कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं थालघाट। क्या कहते हैं? थालघाट। दूसरे पास की मैं बात कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं बोरघाट। क्या कहते हैं? बोरघाट। तीसरे पास की मैं बात कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं पालघाट। क्या कहते हैं? पालघाट। और चौथा जो पास है ना उसे हम कहते हैं सेनकोटा पास। क्या कहते हैं? सेनकोटा पास। ये कुछ भी नहीं है, ऊपर से नीचे इनको अरेंज करना है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोटा पास, सेनकोटा पास या सेनकोटा घाट। अब जो थालघाट है ना, थालघाट है, ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? इट कनेक्ट्स नासिक टू मुंबई। ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, है ना, नासिक भी और मुंबई भी। बोरघाट जो है ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से। इट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, है ना, यह भी आपको महाराष्ट्र में ही दिखेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है पालघाट। पालघाट सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, केरला के अंदर है, है ना। इसको हम पालाकड़ गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालाकड़ गैप भी इसको कहते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि यह हमारे जो नीलगिरी हिल्स है ना, इस नीलगिरी हिल्स को ये अन्नामलाई हिल्स से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? अन्नामलाई हिल्स से ये जोड़ता है। या मैं दूसरे अल्फाज में बोलूं तो इट कनेक्ट्स कोची। कोची को ये कनेक्ट करता है। कोची कहाँ पे है? केरला में, है ना। इट कनेक्ट्स कोची टू चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। या दूसरे अल्फाज में ये भी बोलूं कि इट कनेक्ट्स केरला एंड तमिलनाडु। इसलिए पालघाट जो यहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है केरला के अंदर, है ना। और फाइनली आपको मिलेगा सेनकोटा पास। जो यहाँ पे सेनकोटा पास है ना, ये हमारे थिरुवनंतपुरम को जोड़ती है मदुराई के साथ। किसको? थिरुवनंतपुरम आपको ये जोड़ती है किसके साथ? मदुराई के साथ, है ना। मदुराई कहाँ पे है? तमिलनाडु। थिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है? केरला की, है ना। इसको यहाँ पे याद करके जाना है, है ना। ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे कुछ पासेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान में अरावली हिल्स में भी कुछ पासेस आपको दिखते हैं, है ना। हिमालयन पासेस के अलावा मैं आपके साथ एक पासेस डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए जो वीडियो है ना ये थोड़ा बहुत लंबा जा रहा है। अब राजस्थान के अंदर यहाँ पे दो पासेस आपको मिलेंगे। एक है गोरम घाट। क्या है? गोरम घाट। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं हल्दी घाटी पास। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी पास। सो गोरम घाट एंड हल्दी घाटी पास दोनों यहाँ पे अरावली हिल्स में ही आपको दिखेंगे, यानी कि यहाँ पे राजस्थान में ही आपको दिखेंगे। जो यहाँ पे गोरम घाट है ना, ये हमारे मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। किसको? मेवाड़ को यहाँ पे जोड़ती है मारवाड़ के साथ। और दूसरा हल्दी घाटी पास, ये भी आपको अरावली रेंज में ही दिखेगा, है ना। इसलिए इन चीजों को भी यहाँ पे याद करके जाना है। इसके बाद यहाँ पे मैं तीसरे डिवीजन की बात करता हूँ जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। सो वी हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे हैं कि वी आर डिस्कसिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर सबसे पहला चीज जो हमने पढ़ा वो है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमने पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, या जिसे हम कहते हैं मेघालय प्लेट्यू। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये है मेघालय प्लेट्यू, है ना। जब आपको याद होगा, जब मैं आपको पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पढ़ा रहा था, वहां पे भी मैंने आपको तीन हिल्स बताए मेघालय की, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, है ना। तो एक्चुअली क्या है? एक्चुअली वो पूर्वांचल की पार्ट्स नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है? एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे ये है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू और ये है मेघालय प्लेट्यू, इनके बीच में जो गैप आती है ना,
उसे हम कहते हैं माल्डा गैप। क्या कहते हैं? माल्डा गैप। तो व्हाट इज माल्डा गैप? माल्डा गैप इज नथिंग, माल्डा गैप इज अ गैप बिटवीन पेनिनसुलर प्लेटू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। एक्चुअली जो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है ना, इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है किसका? पेनिनसुलर प्लेटू का। बाद में ये सेपरेट हुआ है माल्डा गैप से, ठीक है, इससे ये थोड़ा वो सेपरेट है, अदरवाइज इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। और यहाँ पे मेघालय के अंदर आपको तीन हिल्स दिखेंगे, गारो, खासी एंड जयंतिया। और खासी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि दुनिया का जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है ना माउंटेन राम मेघालय, वो यहाँ पे भी है। और मेघालय के बारे में मैंने आपको एक और पॉइंट भी बोला कि इसराइल के साथ यहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे गोल हमारा क्या है? टू डबल द फार्मर्स इनकम, है ना, इसलिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये है पेनिनसुलर प्लेटू और यही है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको रिवाइज करो, है ना, चीजों को बार बार पढ़ो, हो जाएगा आपका, है ना। तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे बाद में खाली आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो आप चीजों को गौर से देखो, आप चीजों को नजदीक से देखो, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आइलैंड्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम कोस्टल प्लेन्स भी देखेंगे, और इसी के साथ हमारा जो फिजियोग्राफी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, and do like, comment and subscribe our channel IJ Academy, and with this I Enamul Haq sign off, and hum milte hain apne next video mein, till then stay home, stay safe and God bless you all।